Yes, good morning children. So in the previous class we are studying about the water pollution and the effect, ill effect of the water pollution we have to highlight today. The very first thing is biomagnification. The word bio means living, means magnify, means to increase something. What is increase? Say for example, There is a pond, and there are number of fields around the ponds, and in these ponds the pesticides are used by farmers in order to protect their fields against the various type of pests. Okay, so when the pesticide is used and suddenly suppose the rain occurs, and with the rain water, all the pesticides are dissolved and brought to the nearby water bodies. Okay. Now, we have added a very few amount of pesticide in the field. And from that very few amount of pesticide which has been added, further small amount of pesticide is being dissolved and reached to the water body. So, the amount of pesticides which is there in the water body is 0.003 ppb, particle per billion. I'll say there is no some hard and fast rule here to write this number only. हमारे पॉन्ड के चारों तरफ ज्यादा खेत हो सकते हैं, ये तो इंग्लिश पॉन्ड था, ठीक है, और इट मे बी लेस बिकॉज ऑफ फार्मर्स आर वी पुअर पीपल, दे डोंट नो यूज, दे फर्दर डिपेंड ऑन द बायोटिक मेथड. सो आप कुछ भी नहीं, एनी वे अगर ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये नंबर लिखने हैं. ओके, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, पेस्टिसाइड भी क्या है हमारा, यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो डीडीटी है. फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि वॉट एवर रिटन इन द बुक, प्लीज प्लीज रीड दैट एंड राइट दैट, बिकॉज देर आर सो मेनी टीचर्स हु आर नॉट अपडेटिंग देमसेल्व्स विद द कंटिन्यूस चेंजेस. और कुछ तो होते ना, आज की तारीख में आप देखिए, हम लोग पढ़े थे तो नंबर कम आते थे, 70-80% आना बहुत बड़ी बात थी, आजकल 95-97-98% वाले मार्क्स वाले हैं, बट द नॉलेज इज लेस. वाई? बिकॉज 95-96-97% मार्क्स वाले सेलेक्टिव स्टडी वाले हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू द मार्केट, गेटिंग सर्टन बुक्स और मगिंग दैट ये क्वेश्चन आएगा ये लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा ये लिखना है. मार्क्स तो अच्छा आ जाते हैं बट जिंदगी ऐसी चलती है, ठीक है. सो देर आर सम टीचर्स सम प्लेसेस वेयर द इंफॉर्मेशन ओनली डजंट गो और पीपल आर नॉट विलिंग टू अपडेट देमसेल्फ एंड ऑल, ठीक है. कई लोग जो होते हैं बिल्कुल एडमेंट होते हैं कि नहीं, बुक में ये लिखा है तो ये लिखा है. आई हैड सम ऑफ द एक्सपीरियंस सम ऑफ द माई चिल्ड्रन हुम आई यूज्ड टू टीच एंड दे यूज्ड टू स्टडी इन सम अदर स्कूल. टीचर ने केवल इसलिए गलत कर दिया आंसर कि भैया बुक में ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है. सो बेटर गो थ्रू दैट ओनली. क्या फर्क पड़ रहा है, चार चीजें याद ही रखनी है. तो डीडीटी का अमाउंट क्या है, पार्टिकल पर बिलियन, दैट मींस क्या है कि 1 billion मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर देयर देन दीस मेनी बिलियंस, दैट मींस 1 billion में 0.003, तो अगर 10 billion कहेंगे तो 100 billion में 0.3, 1000 billion मॉलिक्यूल वाटर लेंगे तो 3 particles ऑफ डीडीटी. ये तो कोई नंबर ही नहीं है, इससे क्या नुकसान हो सकता है किसी का. 1000 billion मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 particle और 1 molecule ऑफ डीडीटी, व्हाट डिफरेंट इज गोइंग टू मेक, नो वे. कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये कोई नुकसान कर सकता है. लेकिन व्हेन इट इज यूज्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स द अमाउंट इंक्रीज सेव बाई 10%, तो 0.04 ppm हो गया. ऐसे लिखा मैं बुक में, और फिर यहां से जू प्लैंक्टन्स में चल जाएंगे, एंड फ्रॉम जू प्लैंक्टन इट मे एंटर इनटू फ्रॉग्स, एंड फ्रॉग्स इट मे एंटर इनटू स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश टू लार्ज फिश, और स्मॉल फिश विच इज बीन यूज आइदर बाय लार्ज फिश और बाय किंगफिशर और एनी अदर बर्ड्स. तो जब ये यूज कर
So the amount of particles is reaching up to 35 ppm. ठीक है, the 25 ppm is a very dangerous number. छोटा मोटा नंबर चल रहा था, ये देखिए कहाँ पे जू प्लैंकटन में आते आते ये हो गए 0.04 ppm, स्मॉल फिश में आके हो गए 5 ppm, लार्ज फिश में आके 2 ppm, एंड फिश ईटिंग बर्ड्स में ये 5 ppm. ठीक है, तो इधर यू लर्न दिस एग्जांपल एग्जैक्टली ऐसा कैसे देख. तो क्या हो रहा है कि जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो मेनी फिश एंड ऑल दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, एटलीस्ट राधर दे विल सर्वाइव बट दे आर नॉट एबल टू लिव. इट इज अ कॉमन एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल था मिशिगन लेक यूएसए का. यूएसए के मिशिगन लेक में क्या देखा, क्या पाया कि भाई वहाँ पे कुछ बर्ड्स होती थे, वो बर्ड्स जो होती हैं पेलिकन, वो बर्ड्स के नंबर सडनली डिक्रीज होने लग गए. तो लोगों ने सोचा कि मैं कोई मार के ले जाता होगा, कोई खा जाता होगा, कोई पकड़ के एक्सपोर्ट कर देता होगा. तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की बातें लोगों के अंदर थी. बट येट देवर जस्ट टॉकिंग, देवर जस्ट एक्सचेंजिंग देयर व्यूज एंड दे केम टू नो कि भाई यू व्यू द नंबर ऑफ बर्ड्स आर डिक्रीजिंग एंड इट इज एन अलार्मिंग साइन. सो वी शुड कैच हु इज डूइंग दैट. एंड विद द स्टडी दे केम टू नो कि कोई पकड़ पकड़ नहीं रहा है. बट व्हाट दे आर दैट द ओल्डर फिश बर्ड्स आर देयर, दे आर नॉट डिक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट, बट देर आर न्यू चूजाज आर नॉट देयर, घोंसले भी बन रहे एंड अंडे भी दिए जा रहे हैं, बट नो सूनर द बर्ड सिट्स ऑन इट टू प्रोवाइड द वार्मथ, वो तो अंडा फूट जाता. Then, on the study by the biochemist and certain other organometabolist वगैरह ने उनको पढ़ा तो मालूम पड़ा है कि भाई उनके जो शेल वॉल है उसमें कैल्शियम कम है. कैल्शियम क्यों कम है? बिकॉज उसके मेटाबोलिज्म में कुछ तो ऐसा हुआ है विच इज नॉट लेटिंग द कैल्शियम डिपॉजिटिंग ऑन इनफ अमाउंट. तो भाई ये पता किया उन्होंने, तो इस पते के अंदर क्या मालूम पड़ा कि भाई कैल्शियम को कौन अफेक्ट कर रहा है? DDT. एंड वेयर द DDT इज कम फ्रॉम? तो DDT आया सर वो जो पानी में हमने छिड़का है. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस बायोमैग्निफिकेशन इज बींग कम टू आवर नॉलेज. इट इज नॉट दैट द बायोमैग्निफिकेशन फाउंड ओनली इन वाटर बॉडीज. ठीक है, ऑन द लैंड इकोसिस्टम ऑल्सो इट इज देयर, बट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम सिंस द बॉडी इज स्मॉल, सिंस द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स आर मोर, है ना, the vicinity or the impact and more. The food chains are also longer. ऐसी लंबी food chain आपको generally जमीन पर नहीं मिलती है, दो तीन member में ख़त्म हो जाती है food chain. तो जितना दूर जाएंगे food chain में उतना ही ज़्यादा effect होगा. So the effect, the definition क्या है biomagnification का? The increase of the concentration of toxic substances as we go from the lower to higher trophic level in a food chain. ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस. नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ एनर्जी तो कम हो जाती है, फूड तो कम हो जाता है, इनका नंबर कम क्यों नहीं हो रहा? तो भाई जो यूज होता है वो कम हो जाएगा. देर इज नो मैकेनिज्म बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी यूज इन आवर बॉडी. वी डू नॉट हैव एनी पाथवे विच कैन यूज अ DDT और एनी अदर सच पेस्टिसाइड, एंड दैट इज वाई दे आर गो ऑन एक्युमुलेटिंग. एंड द ऑर्गनम्स एक्सिलरेटरी सिस्टम इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू थ्रो दिस वेस्ट आउट. तो बायोमैग्निफिकेशन आई थिंक इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इम्पैक्ट जो है वो है यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन के लिए आगे लिखा है इज द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक ऑफ बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. वॉट इज हैपनिंग व्हेन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, पहले तो क्या होगा इन अ वाटर बॉडी ना, इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड वी कैन सी दैट द सेम फार्मर्स आर देयर, दे आर यूज लॉट ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. व्हेन द रेन वाटर कम्स दे डिसॉल्व ऑल दीज थिंग्स, अ बिट ऑफ दीज विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दे ब्रिंग इट टू द नियर बाय वाटर बॉडी. वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शैलो, मतलब वाटर बॉडी हमेशा डीप में होती है, तभी तो पानी आएगा वहाँ. वाटर बॉडी ऊंचाई में होगा तो पानी कैसे आएगा? ठीक है, तो जो तालाब होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, वो हमेशा नीचे होते हैं जमीन से, तो सारा पानी वहाँ आ जाता है. सो व्हेन द रेन अकर्स ऑल दिस
manure and fertilizer, certain amount of that is dissolved in the rainwater and brought to the nearby water bodies. So in the nearby water bodies, the amount of urea, nitrogen, phosphorus, other substances, other nutrients are more, which promotes the growth of aquatic plant, phytoplanktons, or वो अभी जो अपने कल पढ़ाता है कॉर्निया, ठीक है, ये प्लांट्स के नंबर बढ़ा देगा वो. नाउ दीज प्लांट्स, हमारे को क्या टेंशन हो रहा है, होगा ना, होगा टेंशन, कैसे होगा, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम दे आर यूजिंग फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, सर्टन अमाउंट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन द वाटर, मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज गिवन टू द एटमोसफियर एंड ऑल. कम्स नाइट, अब प्लांट्स को चाहिए ऑक्सीजन, तो certain amount of oxygen they will get from the air, but most of the oxygen they have to draw from water. And water mein as such there is only 2-3% oxygen dissolved depending on the temperature. To agar 2% oxygen ho gaya aur uska major part is consumed by these plants during night, then the oxygen dissolved in the water decreases to a great extent, which causes suffocation and the lack of oxygen to the aquatic animals and they start dying. जब वो मरेंगे तो वो नीचे पहुंच जाएंगे बॉटम में, वेयर द डिकम्पोजर्स आर देयर, फ्रेगमेंटर्स आर देयर, दोज फ्रेगमेंटर्स एंड डिकम्पोजर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. फ्रेगमेंटर्स अपना काम कर देंगे तो उड़ना पोड़ नहीं होंगे, बट वेन द डिकम्पोजर्स वॉन्ट टू डिकम्पोज देम दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, सो देन इट स्टार्ट एक्युमुलेटिंग दिस सब्सटेंसेस द बॉडी. ठीक है, वो नॉर्मली पानी जो है लेक का ठंडा होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग, इट इवन इंक्रीजेस द टेम्परेचर, तो वार्म होने लगता है बॉडी, वार्म बॉडी फर्दर प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड मोर ग्रोथ. तो ये एक ऐसा सिस्टम चालू हो जाता है विच इज लीडिंग इट टू द क्विक डेथ. ठीक है, ये वाटर बॉडी जो है वो मरने लग जाएगी तेजी से. तो दिस इज अ वेरी वेरी क्या कहते हैं नेगेटिव फिनोमेना विच वी सी, और इसको कहते हैं देखिए कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हैड वी नॉट यूज्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर, बट वो नेचुरल डेथ वगैरह हो रही होती, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में रहते तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट सिंस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मैन्योर और फर्टिलाइजर एडेड ईयर बाय ईयर विच हैव प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ मोर एंड मोर प्लांट्स इन द वाटर बॉडीज, दैट हैज लीड टू द सफोकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द वाटर. तो एक बहुत खराब फिनोमेना है, इससे बाहर आना जरूरी है. तो इससे बाहर आने के लिए क्या होगा, इसका एक ही तरीका है, क्या फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स का यूज कम कर दें, तो फिर हम क्या खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, वी हैव टू क्लीन बाय आर्टिफिशियल मीन्स दीज प्लांट्स सो दैट द लेक मे रिमेन फ्रेश. जैसा कि हम करते हैं कोटा में, हमारे पास एक बढ़िया सा लेक है किशोर तालाब, है ना, किशोर सागर, तो किशोर सागर तालाब में फिर हमने मशीन लगा रखी है सम करोड़ सौ रुपीज़ की, और वो यही करती है. ठीक है, सो दैट द लेक में नॉट डाई, सो दैट द डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी में नॉट डिक्रीज, सो दैट द वाटर में नॉट स्टार्ट स्मेलिंग, सो दैट द एक्वेटिक ऑर्गन में कंटिन्यू टू सर्वाइव, सो दैट द वाटर टेम्परेचर कैन कंटिन्यू टू मेंटेन. ओके, चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. हमने पढ़ा इन क्लास इन चैप्टर 10 माइक्रोब्स वाला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा दैट इज द माइक्रोब्स आर प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी. ठीक है, तो ये जो पानी हम गंदा कर देते हैं, एवरी सिटी इज प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज, क्योंकि हर घर से एवरी डे सो मच ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, इन द फॉर्म ऑफ फूड आइटम, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट आइटम विच वी आर थ्रोइंग इन द वाटर. सो ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लस देर मे बी सम इनऑर्गेनिक वेस्ट, हैवी मेटल्स एंड अदर सब्सटेंसेस, और कुछ फिजिकल है, तो जो फिजिकल डिब्रीज हैं जिनको तो हम फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन से निकाल सकते हैं. नाउ देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज द वाटर सॉल्यूबल वेस्ट एंड द ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, तो वाटर सॉल्यूबल वेस्ट का हमारे पास कोई तरीका नहीं है. द ऑर्गेनिक वेस्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एम्प्लॉय सम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, वी कैन डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक वेस्ट एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा, दैट विल बी गिवन आउट एंड द वाटर विल बिकम फ्री, फ्रेश, रीयूजेबल.
तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। और इसके लिए क्या करते हैं, हम बड़ा सा वाटर सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। ना टू कंस्ट्रक्ट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड टू रन दैट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वी हैव टू एम्प्लॉय लॉट ऑफ वी हैव टू इनपुट अ लॉट ऑफ मनी एंड वी हैव टू इनपुट लॉट ऑफ पीपल एंगेज नंबर ऑफ पीपल एंड उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी 18 आवर्स के लिए एंड वी हैव टू गिव मंथली सैलरी एंड वी हैव टू मेंटेन दोस प्लांट्स एंड ऑल। ये अर्काटा एक जगह है, ठीक है, आई थिंक इट इज इन द कैनेडा और US जो भी है। ये अर्काटा जो है वहाँ के लोगों ने मिल करके एक काम किया, उन्होंने क्या, उनके पास जगह की कमी नहीं थी, द सीवेज वाटर यूज टू कम, दैट सीवेज वाटर वॉज अलाउड टू फ्लो आउट, देयर ओनली दे कंस्ट्रक्टेड सम टैंक्स, नॉट सीमेंटेड, नेचुरल। सो द वाटर यूज टू एक्यूमुलेट फ्रॉम वन टैंक टू अनदर टैंक टू थर्ड टैंक टू फोर्थ टैंक एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑटोमेटिकली डिकंटेशन हो जाता है। सबसे पहला प्राइमरी फिल्ट्रेशन के लिए उन्होंने वहाँ जालियाँ लगा दी, सो दैट ऑल पेपर क्लोथ एंड पॉलीथीन एंड वुड लॉग्स एंड प्लांट्स एंड एक्सेट्रा दैट विल रिमेन आउट ऑफ। अब आया पानी वहाँ पे, डिकंटेशन हो गया फ्रॉम वन टैंक टू अनदर टैंक टू अनदर टैंक, अब दैट विल गो इन टू द नेक्स्ट। ये गड्ढे हैं, उनको कोई सीमेंटिंग वगैरह नहीं करी, ठीक है। नाउ दैट इज वहाँ पे देखिए आप कितने हेक्टर लैंड में फैला हुआ है, इट इज रिटन 60 हेक्टर मार्श लैंड, ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, 60 हेक्टर, ठीक है, विच इज अ लॉन्ग एरिया, स्टेशन से भी ज़्यादा दूर तक जा रहा हो, ठीक है। अब इतने बड़े एरिया के अंदर क्या वो डिकंटे, उसके बाद अपन ने माइक्रोब वाला एरिया लगाया, द माइक्रोब्स आर ग्रोइंग नेचुरली, when this water is coming in with the organic waste are there, they will be acted upon by these microbes which will decompose and kya kehte hain for that the oxygen, bhai aap oxygen ke liye wahan fountain wagera lagane pad rahe the, humne wo nahi lagaya balki area bada diya, to baat to barabar hi, theek hai, jab water narrow tank mein hota hai to only upper surface is getting oxygen from the surface and lower is not, if it is spread to the longer area the upper 1-inch layer even if getting oxygen from the upper atmosphere, there is more area, so more oxygen will be available, ठीक है। So they need not to put a fountain there, they need not to put a agitator there, they need not to put any type of expenditure or machinery and electric source of energy, उन सब की जरूरत नहीं पड़ी, एरिया बढ़ा दिया, since they had no problem of area. So then decomposition took place and then further नेक्स्ट टैंक्स में जो है और वो साफ हो जाए, और बाय द टाइम इट पासेस थ्रू ऑल दीज टैंक्स द वाटर गेट क्लीन, ठीक है। हाँ, एक बार जगह पे उन्होंने एक ऐसा क्लोज टैंक बना दिया वेयर द डिकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग मीथेन एंड अदर गैसेस दैट कुड बी यूज फॉर पुटिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द लाइटिंग एंड ऑल। नाउ सिंस इट इज इन द नेचुरल हैबिटेट, bushes were there, plants were there, algae, bacteria, fungi, etc. all are there. So क्या होगा, they have promoted the number of different type of birds and butterflies and other organisms also to come there and a food chain number of बन गई, तो एक अच्छी सी सेंचुरी बन गई। देखिए the marsh also constitute a century and in this century number of different type of plants and animals and insects and bacteria and etc. were there. So people used to start moving there, ठीक है। अच्छा, वन थिंग इज देयर, मैं एक बात बताता हूँ आपको, हम जो है लुटेरों की कंट्रीज में है, यहाँ पे क्या हर जगह पे जैसे आप जाते हैं वहाँ पे टिकट लग जाता है, यू पार्क योर व्हीकल यू हैव टू पे 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, एयरपोर्ट पे चले गए 150 रुपये का टिकट, रेलवे स्टेशन पे चले गए 20 रुपये का टिकट, ठीक है। डेवलप कंट्रीज यू डोंट फाइंड ऑल दिस थिंग्स, पार्किंग इज ऑलवेज फ्री, मोस्ट ऑफ द विजिटिंग कोई पार्क में जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं और म्यूजियम में जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, अनलाइक इन इंडिया कहीं भी जाओ पैसा दो, चंबल गार्डन में जाने के 3 रुपये, वो किशोर सागर टागर क्या है वो 7 वंडर्स में जाने का भी टिकट, पार्किंग का टिकट उससे ज़्यादा है, वो लूटमार नहीं है वहाँ पे। आप सोचो कि इतनी बड़ी सेंचुरी थी, वहाँ इतने सारे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, एट दे स्टार्टेड पुटिंग प्राइस फॉर दैट, वो तो वहाँ पे लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, ठीक है। अब यू में थिंक दैट वे बेचारे वो गरीब है, लोगों के पास पैसा नहीं है, हम इंडियंस के पास बहुत पैसा है, वी कैन पे एंड वी कैन गो, है ना, और आप कुछ और भी सोच सकते हैं जो भी
It was a very panic state, you know. But see, it's nothing related with the studies, but I am telling. It is very panic state. One of foreigner came to my house, and it was my duty. मैं उनको घुमाने ले जाऊँ तो हम घुमाने ले जाते थे तो जहाँ भी ले जाते थे तो अच्छा फॉरनर है साहब इसके 60 रुपीज़ लगेंगे आपका 10 रुपये लग रहा है उसको 6 टाइम ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। ताजमहल गए ताजमहल देखने के लिए उसका एक्स्ट्रा टिकट लग रहा है हमारा अलग टिकट लग रहा है। कहीं पे भी जाओ फॉरेनर देखते पैसा बढ़ गया इंडियंस देखते पैसा गया। तो उस बंदे ने मेरे से पूछा कि यार आप हमारे देश में आते हो तो आपसे पैसे ही नहीं लेते म्यूजियम घूमने का पार्किंग का किसी गार्डन में जाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेकिंग मनी एंड देन एंड दैट ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन यू आर चार्जिंग मोर फ्रॉम द गेस्ट। देख लो भैया ये ऐसी कंट्री है, है? तो क्या कर सकते हैं छोड़िए अब ये तो बात निकली है तो बता दिया मैंने ऐसे ही। देर आर लॉट थिंग विच आर विच यू हैव टू लर्न चिल्ड्रन लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग। ये कंट्री में इनडिस्क्रिमिनेशन भरे पड़े हैं नहीं इनडिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ठीक है चलिए हटाइए। तो ये है सर तो यहाँ अब इसको मैनेज करने का काम क्या है देर इज नो एम्प्लॉयज देयर। किसी आदमी को आपने जॉब पे नहीं रखा है कि भाई तुम आओगे स्विच ऑन करोगे लाइट तुम आओगे स्विच ऑफ करोगे लाइट तुम जो है उसकी सफाई करोगे यू विल थ्रो द ट्यूबिंग आउट यू विल रिमूव द थिंग एंड यू विल क्लीन इट एंड यू विल डू दैट एंड ऑल। रादर पीपल वर वॉलंटियर्ड। आप आओ अपने आप से देखो कुछ भी गलत हो रहा है उसको ठीक करो और चले जाओ। सो दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको उन्होंने नाम दिया सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श FOAM फुल फॉर्म याद रखना फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श। अगेन आई बीन टू वन ऑफ द कंट्री एंड देर आई सॉ देयर वाज अ ब्यूटीफुल रोज गार्डन ब्यूटीफुल स्प्रेड इनटू हेक्टर्स ऑफ लैंड एंड वैरायटी ऑफ रोजेस। इतनी वैरायटी के रोजेस मैंने कभी देखे भी नहीं एंड उनमें से सम ट्रीज वर 30-40-50 ईयर्स ओल्ड रोज प्लांट। ठीक है सर नाउ आई सेड हु मेंटेन्स इट नो वन इज एम्प्लॉयड टू मेंटेन इट नो वन इवन गार्डिंग वॉचिंग कि आप फूल तोड़ेंगे या पेड़ उखाड़ के ले जाएंगे बट पीपल आर उनकी मॉरल्स उनकी एथिक्स ऐसे हैं कोई नहीं तोड़ता एक फूल भी नहीं तोड़ता कोई पेड़ भी नहीं उखाड़ता। रादर इफ यू सी समथिंग इज फॉलन आउट इफ यू सी एनी क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड यू कैन डू थिंग्स आर लाइंग देयर क्लीनिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो वहाँ पे पड़े आपको लगा आप उठाइए ब्रूम मतलब हैंडल वाले ब्रूम होते हैं बड़े वाले जस्ट ऐसे कीजिए उसमें पैन में उठाइए और वहाँ बीम में डाल दीजिए। सो देयर इज नो वन टू मेंटेन ठीक है दीज आर द थिंग्स यानी कि फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श नो वन इज एम्प्लॉयड टू रन दिस। वो जो 60 हेक्टेयर्स में फैला हुआ लंबा चौड़ा प्लांट है वाटर ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देयर इज नो पर्सन इज एम्प्लॉयड रादर दीज आर द फ्रेंड्स ग्रुप पीपल गो दे डू फ्री सर्विस वॉलंटरी सर्विस। ठीक है तो दैट इज द थिंग। ओके तो सिटीजन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स वॉज रिस्पॉन्सिबल टू अपकीप एंड सेफ गार्डिंग द वंडरफुल प्रोजेक्ट। ऑल दिस टाइम वी अज्यूम दैट द रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स दैट इज रिक्वायर्स वाटर बट अब नया एक वो आया दैट इज साउथ में केरला में और इसके अलावा कई सारी जगहों पर और नाउ अब तो मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे इज इवन यूजिंग दैट इको सैंड टाइप ऑफ टॉयलेट्स तो वेयर यू डोंट रिक्वायर टू मच ऑफ वाटर टू बी फ्लश। ठीक है बस आपको फ्लश के लिए पानी यूज करना है और वो थोड़ा सा आगे गया है टैंक में जाता है एंड द टैंक हैज गॉट माइक्रोब्स विच विल डिकम्पोज इट। ठीक है यू नीड नॉट टू थ्रो इट आउट और यू नीड नॉट डिस्कार्ड इट एंड ऑल सो दैट इज बायोलॉजिकली मैनेज सो दैट मीन्स यू नीड नॉट टू पुट लॉट ऑफ और वेस्ट लॉट ऑफ वाटर वेयर इज इन एवरी टाइम वेन वी आर फ्लशिंग इफ इट इज टू टॉयलेट यूरिनेशन के बाद में एटलीस्ट 5-6 लीटर वाटर एंड इफ इट इज अ फीकल मैटर उसके लिए आपको कम से कम 15-20 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो इन अ डे इन अ हाउस हाउ मेनी लीटर यूज टू वाटर यूज टू गो ओनली फॉर फ्लशिंग दिस इन नंबर ऑफ प्लेसेज आई हैव सीन इन चेन्नई वन ऑफ द कॉलोनीज एक बहुत बड़ा सा वो है
हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो सीवेज वाटर जो भी है उस वाटर को अलग प्योरी मतलब साफ करके बाय सिंपल फिजिकल मेथड, नॉट अ बायोलॉजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड से वो दैट वाटर इज यूज्ड ओनली फॉर फ्लशिंग, ठीक है, फ्लश करने के लिए। बाकी सारी चीज के लिए आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, टैप से आया हुआ पानी और अंडरग्राउंड वाटर, बट फ्लशिंग के लिए दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग फ्रेश वाटर फॉर फ्लशिंग। आप अंडरग्राउंड बोरवेल से पानी निकालेंगे और उसको फ्लश करने के काम में लेंगे, सो दैट द सेम वाटर इज रिसाइकल, दैट रिसाइकल्ड वाटर इज यूज फॉर दिस पर्पस। सो दीज आर सम ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज द पीपल आर डूइंग एंड दे आर कमिंग अक्रॉस एंड दैट्स इट। तो ये इको साइंस तक हमने पढ़ लिया, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, और अब आप जब स्कूल में आएंगे तब आगे की बात करेंगे, और अदरवाइज आज तारीख 15 है, आज लास्ट क्लास होनी थी हमारे हिसाब से, तो हो गई आज की लास्ट क्लास। तो मेरा कोर्स ये तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर तो कोर्स में है नहीं, है ना। सो व्हेन यू आर कमिंग ऑन मंडे ऑनवर्ड्स, तो यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम फेस टू फेस, एंड अदरवाइज तो फिर प्रैक्टिकल वगैरह करिए, आइए स्कूल में, and then get ready for the pre-board examination. If you got any problems, I am always there. आप कभी भी पूछ सकते हैं, और प्री बोर्ड के बाद में आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। फर्स्ट प्री बोर्ड तो अभी आ रहा होगा, सॉरी, एंड यू विल हैव सेकंड प्री बोर्ड ऑल्सो सून।